नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। तो फिर 2024 में क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर आज का है चर्चा। साथ जुड़े हैं भविष्य मालिका के रिसर्चर और कल्कलीला पुस्तक के रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी। आपका स्वागत करता हूं मैं। जय जगन्नाथ। तो फिर पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किए थे, 2024 में क्या क्या कुछ होने वाला है, 2024 का फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो आप बता रहे थे कि मतलब पंचतत्व पर भी होगा प्रलय, और जो बहुत ही विनाशकारी होगा, आगे चल के ऐसा भी प्रलय आने वाला है जिस पर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो पाएगा। तो इस पर क्या कहते हैं आपका रिसर्च, थोड़ा व्याख्यान में हमारे दर्शकों के सामने आप बात रखिए। देखिए, जो भी प्रलीला होता है जी जी, वो पंच तत्व को लेकर होता है। बिल्कुल, पंच तत्व यानी आपका जो पंच तत्व में पृथ्वी बना हुआ है। हाँ, खेती आप तेज बरुद व्यम व्यम, ठीक है। ये पंच तत्व में प्रलय होता है, हर तत्व में प्रलय होता है। जब हर तत्व में प्रलय होता है तब महाप्रलय हो जाता है। अच्छा, तो ये क्या मतलब, हर एक युग में अंतिम कालखंड में होता है या फिर समय समय पर ये होता है? देखिए, हर एक युग के अंत में कुछ ना कुछ प्रलय होकर ही होता है, बात नहीं, लेकिन कलयुग युग के अंत में महाप्रलय होता है, विनाशकारी प्रलय होता है। अच्छा, क्योंकि टोटल जो अब तक जो था कलयुग तक वो खत्म हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। कलयुग का कोई चीज़ सत्यजुग का नहीं रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। फिर सत्यों से बढ़ते बढ़ते कलयुग का आ जाएगा, फिर वो कलयुग का कोई लास्ट जो कलयुग था उसका कोई चीज़ सत्यजुग नहीं है। हम लोग का कलयुग का कोई टेम्पल नहीं देखा है, कलयुग का कोई कोई आइडल को नहीं देखा है, किसी को भी नहीं देखा है, कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी नहीं देखा है। जी जी जी। लेकिन अभी जो नासा जो निकाला है, फोटोशॉप दे रहे हैं, समुद्र के नीचे 50 स्टोरी 20 स्टोरी बिल्डिंग खड़ा है अभी तक, डोम हाउसेस है। तो क्यों, कैसे होता है, वो कहाँ से आया? वो लास्ट कलयुग में अभी जैसे हम रह रहे थे ऐसे ही था लास्ट कलयुग। अच्छा अच्छा, मतलब इससे पहले है, सत्यजुग का पहले, 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले तो जैसे हम आज बच रहे हैं उसी टाइप का था। वो लोग ऐसे ही थे, ऐसी मेंटालिटी का थे, ऐसे पापी जन थे, सब खत्म हो गए, और जो बनाया था उस टाइम वो लोग वो भी खत्म हो गया। आपका कलयुग में जो है अभी देख रहे हैं वो कुछ नहीं रहेगा सत्ययुग के लिए, सब नया होगा, नया पृथ्वी, नया तारामंडल, नया नक्षत्र मंडल भी नया होगा, नक्षत्र मंडल पूरा नया होगा। ये ध्रुव तारा नहीं रहेगा, उधर पोलर स्टार नया दिखेगा, दिग परिवर्तन हो जाए सूर्य का। अभी जो पश्चिम है पूर्व हो जाएगा, पूर्व है जो पश्चिम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी हम बोलते हैं पश्चिम से पूर्व को जाता है नदी की धारा, वो उल्टा हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम को आएगा, पूर्व से पश्चिम को बहेगा नेचुरली। जी जी जी। तो वो जो प्रलय होता है कलयुग के एंड में, वो पांचों तत्व लेके प्रलय होता है, बाकी युग में 2-3 तत्व के लेके प्रलय होता है। अच्छा, जैसे द्वापर में जल प्रलय हुआ था, द्वारका डूब गया था, द्वारका है बिल्कुल समंदर में डूब गया जी, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। हाँ, कम्प्लीट सबमर्ज्ड। अभी तो फिर मतलब देखिए कि मतलब जब 2024 की हम नए साल की हम बात कर रहे हैं, पहला दिन जो है जापान में जो तबाही मचाने वाला भूकंप और सुनामी अलर्ट हमें देखने को मिला, ऐसा शायद ही कोई वर्ष के पहले दिन में देखने को मिला था। तो मतलब रिक्टर स्केल पर उसका जो तीव्रता 7.5 था, साथ ही में सुनामी भी आ गया था, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने जीवन की मतलब जान चली गई। तो फिर साल के आरंभ में ऐसा हुआ, तो आने वाले समय में भी क्या ऐसा होगा? ये तो शुरुआत है। हम्म, ये जो हुआ ये शुरुआत है। जी, जी, दिखा दिया 24 में क्या होने वाला है ट्रेलर, और 24 में जो होगा पंच तत्व को लेके वो सबको मालूम पड़ जाएगा क्या होने वाला है। हुँ, आगे हुँ, तो मालूम पड़ जाए सबको। जी जी जी। तो हम एक एक तत्व करके जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर तत्व में कुछ ना कुछ घट होगा, घटना कुछ घटेगा, और
उसी हिसाब से प्रलय भी होगा, उसी हिसाब से युद्ध भी होगा, उसी हिसाब से आपका जो उल्ट फेर होगा पृथ्वी का उसी हिसाब से होगा। इसमें देखिए पहले जाते हैं खेती यानी पृथ्वी मट्टी का। 24 में 23 में हम कुछ देखे हैं, भूकंप देखे हैं, बहुत सा भूकंप हुए हैं 24 में। जापान में वही जो भूकंप हुआ उसके बाद 200 छोटा सा भूकंप आया। हाँ, झटका जो है हल्का हल्का, कभी नहीं सुना होगा कोई। हाँ नहीं, झटका तो आता है, झटका आता है, दो तीन चार पाँच छः दस आता है। हाँ, इतने बार नहीं आता, 200 बार नहीं आता है, लेकिन 200 बार आया। अब इतना भूकंप होगा 24 में देश के तुलना में, कि आप ऑलमोस्ट एवरीडे आपको सुनना मिलेगा उस जगह में भूकंप हुआ। कहाँ छोटा कहाँ बड़ा, जहाँ छोटा तहाँ बड़ा। अच्छा, और एक चीज होगा भूकंप के लिए आपका सुनामी आएगा। अच्छा, भूकंप के चलते सुनामी भी आएगा। भूकंप होने से जैसे जापान में हुआ ऐसा ही बहुत सारा होगा। समुद्र के नीचे जो आग्नेयगिरी है सब वो फटेगा। अच्छा, दैट वो भी सुनामी लाएगा कुछ। जैसे 2023 में तबाही कर देने वाला जो सुनामी आया था न्यूजीलैंड के बगल में जो ठोंगा शहर था, मतलब ऐसा था कि जो समंदर का नीचे का जो मिट्टी कीचड़ जो है वो शहर के अंदर आ गया था। तो इतना बड़ा था उसका प्रलय का स्वरूप हमें देखने को मिला। तो इसी तरह का होगा? हाँ, इस तरह का बहुत सारा, या फिर इससे भी बड़ा, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का होगा, बहुत सारा होगा। जी, एक एक दो दिन बहुत सारा होगा। जितना आपका आग्नेयगिरी पृथ्वी का ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे है समुद्र के नीचे, जी जी जी, वो सब फटना चालू हो जाएगा, टाइम आ गया। क्योंकि आपका जो ये जो क्या बोलते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बिखर गया है। ओके ओके, उसका इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, फटेगा वो। और एक चीज़ होगा, जल बिना पानी के बिना भूमि फट जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, अनाज नहीं होगा, सस्य उत्पादन नहीं होगा, नहीं होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, सा वो सिलसिला 24 से चालू होगा। 24 से होगा, 24 से चालू होगा। और वीकेंड आप लोग मालूम पड़ेगा भाई, एंड ऑफ 24 24 का अंत तक लोग मालूम पड़ जाएगा, अंत तक जो है लोगों को उसका थोड़ा बहुत आवास मिल जाएगा पूरा। जी जी जी, दिन आप जल। तो ये बताइए कि मतलब इसका असर क्या भारत देश पर भी आएगा? सब जगह आएगा। भारत देश पर मतलब ज़्यादा आएगा या थोड़ा कम? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं आएगा, कम होगा। आपका जो खाने के लिए जो दुर्भिक्ष आ रहा है अभी, जी जी जी, सभी से भारत के लिए थोड़ा तो कम रहेगा, क्योंकि देश में अच्छा उत्पादन हुआ है, दैट विल वो मैनेज कर लेगा 24 को कुछ भी। अच्छा, फिर भी मैं बोलता हूँ कुछ रखो घर में। मैं जैसे पहले बोल दिया था आपको, 12 महीना के लिए रख लीजिए सस्य। अच्छा, खाने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या सरकार जो है लोगों को कुछ मदद नहीं कर सरकार के पास? इसलिए मैं बोल रहा कम होगा, इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक साल चलने के लिए है। अच्छा, एक साल, लेकिन कमिंग ईयर हाँ उसको भर नहीं पाएंगे वो। अच्छा, भर नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, नहीं होगा इतना सस्ते। ठीक है ठीक है, देन जल के आप जल पृथ्वी का बहुत सा देश में जल प्रलय होगा। यस। अच्छा, नदी का बाढ़ आएंगे, सुनामी आएगा, बहुत बारिश होगा, तूफान आएगा, जल प्रलय होगा। देखिए 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 2023 में भी हमने देखे कि भारत के विभिन्न राज्यों में भी जल प्रलय का कहीं ना कहीं ट्रेलर था देखने को। दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर इंडिया। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो 80 साल का रिकॉर्ड टूटा दिल्ली में, लाल किला तक पानी आ गया था, लोगों के घर तक भी पानी आ गया था। और हिमाचल की अगर बात करेंगे तो 50 साल का रिकॉर्ड भी टूटा था हिमाचल में। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था, उड़ीसा में भी कुछ जगह ऐसा देखने को मिला था, असम में भी हुआ था ऐसा। असम में तो प्रलयंकारी बाढ़ भी हुई थी, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई इसमें। तो क्या भारत में 2024 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? होगा, उससे ज़्यादा होगा। इस ज़्यादा होगा? यस। अच्छा,
तो ये सब होने का मतलब मुख्य जो कारण है, अगर जो मेन रीज़न है, क्या वो क्लाइमेट चेंज है? कम्प्लीटली क्लाइमेट चेंज के लिए हो रहा है ये सब, क्लाइमेट चेंज के लिए ही ये हो रहा है। जो कुछ भी होगा वो प्रकृति के विपरीत होगा। हाँ अच्छा, अभी पृथ्वी उसका एक्सिस से थोड़ा हिल गया है। जी जी जी, 1.3 डिग्री हिल गया है वो। हाँ, उसके लिए क्या होगा, सूर्य के साथ जो जो आता है कनेक्शन है वो बदल जाता है। और दैट वही उसके बाद जो सन सूर्य से जो आएगा आपका सोलर स्टर्म आएगा, अभी 23 में आया था, छोटा आया था तो मरकर से 1-2 घंटे के लिए कुछ जगह में गड़बड़ हुआ था, फोन काम नहीं करता था, तो दैट विल इंक्रीज। ओके ओके, तो उसके लिए दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज, उसके लिए क्लाइमेट चेंज होता है और वो होगा, बढ़ेगा दिन भर, दिन के दिन बढ़ता जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, तो पृथ्वी में क्या है अभी अब देखिए, इससे इस महीना इस साल अरब कंट्रीज में जल प्रलय आ गया। अरब कंट्रीज में जल प्रलय? हाँ, ये आपका मतलब ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है अब तक? मतलब अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है? नहीं नहीं नहीं, है ना, कार फार सब चला गया, बस वो गया था कार सब उसका, थोड़ा बहुत देखने को मिला है। मक्का में इतना बड़ा तूफान आया कभी नहीं हुआ था, वही उसी उसी कंट्री में जल प्रलय आया, यूएई में आया, सब जगह आया, जान नदी लग जाता है, ग्रीनलैंड में नया नदी चालू हो शुरू हो गया उधर, ग्रीनलैंड के इतिहास में कभी बारिश नहीं हुआ है और 2022 में वहाँ पे बारिश भी हुआ, इसीलिए हुआ। अभी जो डेजर्ट है उसमें से बहुत सारे कंट्री अच्छा कंट्री बन जाएगा, रूबर हो जाएगा उसका मूर्ति का। अच्छा 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 अच्छा, और डेजर्ट नहीं रहेगा, बंजर जमीन जो कहलाता था वहाँ पर जो है वो उर्वर जमीन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, वहाँ वहाँ भूखलता आ जाएंगे उधर। जो अभी अच्छा है वो खराब हो जाएगा, वो थोड़ा सा डेजर्ट हो जाएगा, हमेशा के लिए वो डेजर्ट बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। अच्छा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, सब कुछ उल्टा होगा। देन तेज बहुत जगह में, बहुत कंट्रीज में आग लगने से बहुत विपत्ति आएगा। अच्छा, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, बहुत सारे कंट्रीज में जंगल खत्म हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा, दैट विल क्रिएट, वो क्या होगा उसके लिए, ऑक्सीजन का कम होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा।